visions wishes intentions and dreams are all valuable they spark of imagination and, and encourage us to define where we want to reach in order to get there however we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies the quality and quantity of energy we put forth directly impact the results life is something like a trumpet if we don't put anything in वे कान गेट एनी थिंग आउट राइटर इस प्रोग्राफ में चार चीज़ों को बहुत ही अहमियत देते हैं इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और वो चार चीज़ें हैं विजन्स यानी बसरत विशेष ख्वाहिशात इंटेंशंस आज़्म और इरादे एंड ड्रीम्स यानी ख्वाब ये बहुत ही गना गतरे चीज़ें हैं बिकॉज दे इस्पार्क ऑफ इमेजिनेशन ये हमारे तखीलात को जिला बख्शते हैं एंड इनक्रेज़स और हमको इस बात के लिए हौसला देते हैं हौसला अफज़ाई करते हैं हमारी इस बात को तय करने में कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं और तरक्की की किन बुलंदियों तक पहुँचना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट देयर हाउ एवर वी नीड टू ब्रिंग लाइफ इमेज डाउन टू अर्थ लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए हमें हमारे तखीले तख्यु, तख्यु, हयात हमारी जो ज़िंदगी की जो का तखयल है हमारे यहाँ जो जिंदगी की जो इमेज हमारे जहनों में नक्श है उसको आपको प्रैक्टिकल में लाना है डाउन टू तो अर्थ कर लाना है उसको रियलिटी में लाना है एंड प्लान टू एग्जीक्यूट और स्ट्रेटजीज और उसके एन मुताबिक किस तरह से उन हमत अमलीयों को अमल में लाया जाए उसके ताल्लुक से मनसूबा बनाना द क्वालिटी एंड क्वान्टी ऑफ एनर्जी वी पुट फोर्थ डायरेक्टली इम्पैक्ट द रिजल्ट जिस म की और जिस कदर तोानाई हम इसके लिए सर्फ करेंगे उसके बर रास्त असरा हमारे नत, रिजल्ट पर होते हैं नतज पर होते हैं अजी तलबा यहाँ डाउन टू अर्थ एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया गया है डाउन टू अर्थ यहाँ पर मानी जो दिए हुए हैं वो रियलिटी और प्रैक्टिकल के हैं रियल प्रैक्टिकल के हैं एग्जीक्यूट करने का मान्य होता है अमल में लाना इस्ट्रेटीज़ के मान्य होता है अमलियाँ तो ये सब चीज़ें इंतहाई ज़रूरत की हामिल हैं लाइफ इज़ समथिंग लाइक अ ट्रम्पिट राइटर ने यहाँ कहा है कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल एक ट्रम्पिट की तरह है ट्रम्पिट इज़ अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एक आला मौसीकी है नफ़ीर भी कहा जाता है इसको बसुरी भी कहा जाता है इसमें यहाँ राइटर का कहना है कि इफ़ वी डोंट पुट एनी थिंग इन वी कान गेट एनी थिंग आउट इस आले मौसीकी में जब तक आप कुछ उसके अंदर दाखिल नहीं करेंगे तब तक कोई रिजल्ट बाहर नहीं मिलेगा यानी जब तक आप उसको जो है ब्लो नहीं करेंगे जब तक आप उसको बजाएंगे नहीं तब तक जो है उस उसमें से जो है म्यूज़िकल जो टोन्स हैं वो बाहर नहीं आएंगे सक्सेस इज अ वॉक इन द डार्क finding the right footing precisely mastering the skills and getting to the next place all depend on how we approach and tackle the problem the best way to get from where we are to where we want to be is to find the footing of our next step when we take the next step it should support and hold us without a crack success brighter success is a walk in the dark बिल्कुल अंधेरे में चलने के मानी कामयाबी बिल्कुल अंधेरे में चलने के मान आप देखिए कि कोई किसी भी बिज़नेस में आपको अगर दाखिल होना है तो उसमें आपको रिस्क लेना पड़ता है अगर आपको उसकी हाइट्स पर पहुंचना है बुलंदियों पर पहुंचना है उसमें कामयाब होना है तो आपको पहले रिस्क लेना है आपको कैपिटल लगाना है उसमें उसमें फिर कभी नुकसान भी होते हैं फिर उसके बाद नफ़ा भी होता है उसमें तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ये राइटर ने इस सेंटेंस के ज़रिए से ये बताने की कोशिश की है कि काम कामयाबी जो है वो बगैर नाकामी के नहीं आती शुरुआत उसकी हो सकता है कि नाकामी से हो और उसके बाद जो फिर आप कामयाबी की बुलंदियों तक तो पहुँचते हैं फाइंडिंग द राइट फोटिंग प्रिसाइसली मास्टरिंग द स्किल्स एंड गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस आप उसके लिए क्या करना है सही कदम उठाना है फाइंडिंग द राइट फोटिंग सही कदम रखना है स्किल्स में मास्टरी आपको हासिल करना अख्तसार में आपको बताया जाए कि आपको महारत हासिल करना, गेटिंग टू द नेक्स्ट प्लेस और आपको कदम पीछे नहीं लेना बल्कि आपको आगे बढ़ाना ऑल डिपेंड ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम और ये सब चीज़ें किस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती हैं ये तमाम चीज़ें आपकी कामयाबी आपका सही चीज अपने कामों में माहिर होना और अगले अगला कदम उठाना ये सब चीज़ें हम किस किस अंदाज से किसी चीज़ को देखते हैं वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं और किस तरह से मसाइल को सुलझाने की कोशिश करते हैं टैकल द प्रॉब्लम टैकल सुलझाना द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी ऑन टू बी सब स... और इसका बेहतरीन रास्ता ये है कि हम जहाँ हैं और वो जहाँ जाना चाहते हैं उसके इज़ टू फाइंड द फोटिंग ऑफ और नेक्स्ट नक्स्ट स्टेप तो हम उस अगला कदम जो है उसको आगे जो देख कर रखें कि आपको जब भी जहाँ है और जहाँ जाना चाहते हैं तो अगला कदम आपका कहाँ होना चाहिए यह आपको बहुत सोच समझ कर तय करना है वेन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड us विदाउट अ crack. Uh, हमारा जो अगला कदम रहेगा वो वन वी टेक द नेक्स्ट स्टेप इट शुड सपोर्ट एंड us विदाउट अ क्रैक हमारा अगला कदम वो हमारे कामयाबी का सामिन होना चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा मशक्कत और कोशिश ना करते हुए वो हमारा अगला कदम जो है वो हमारी सपोर्ट में हमारी जो है हिमायत में होना चाहिए इस तरह से आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं दे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये यह सबक ख़त्म होता है इसके बाद आपको जो है इंग्लिश वर्कशॉप में पेज नंबर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव एक्टिविटी नंबर वन टू एंड थ्री और नंबर फोर ये एक्टिविटीज़ आपको असाइनमेंट में घर पर उसको कंप्लीट करना है आप आ, लेसन को बगौर पढ़िए उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसके मुताबिक जो है आपको इन एक्टिविटीज़ एक एक्टिविटी नंबर वन टू फोर आपको सॉल्व करना है इस, इसके बाद जो है आपको एक पैसेज पी फाइल में नीचे दिया जा रहा है आप उस पैसेज को घर पर ए वन से लेकर ए फाइव एक्टिविटीज़ उसको कंप्लीट कीजिए और, और उसको जो है क्वेश्चन आंसर के साइड से आप उसको तहरीर कीजिए अपने नोटबुक में शुक्रिया एंड हैव गुड डे